नमस्कार, मैं हूं पंकज गुप्ता। आपको छत्तीसगढ़ में योगी शासनकाल के दौरान कांग्रेस का दौर याद होगा, जब कांग्रेस यहां दो खेमों में बटा हुआ करती थी, एक पैलेस खेमा और एक जोगी खेमा। उस समय दोनों खेमों में के बीच खींचतान और गुटबाजी की खबरें आए दिन आती ही रहती थीं। ठीक उसी तरह के हालात सरगुजा कांग्रेस में फिर से दिखाई दिया है। दरअसल 15 साल के लंबे इंतजार के बाद सत्ता में आई कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। अंबिकापुर के कांग्रेस कार्यालय राजू भवन के उद्घाटन अवसर पर दो गुटों में जमकर नारेबाजी और शक्ति प्रदर्शन देखा गया। बात इस पर भी खत्म नहीं हुई, यहाँ तक कि भवन के फीते को भी दो बार काटकर लोकार्पण किया गया। दरअसल 70 साल के लंबे इंतजार के बाद सरगुजा कांग्रेस को उनका कार्यालय मिला है। लगभग 3 करोड़ के लागत से बने इस भव्य और हाईटेक कार्यालय राजू भवन का 20 अगस्त को इस उद्घाटन कार्यक्रम में जिस तरह कांग्रेस के दो गुटों के द्वारा कांग्रेस का शीशा लेदर किया गया, उससे राजीव गांधी जी की भी आत्मा को काफ़ी दुख पहुँचा होगा। दरअसल सरगुजा कांग्रेस में खींचतान और गुटबाजी लंबे समय से चली आ रही थी, पर उद्घाटन अवसर पर यह खुलकर सामने आ गई। एक ओर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और उनके समर्थक, और दूसरी ओर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और उनके समर्थक, और दोनों गुटों के समर्थक और कार्यकर्ताओं में गुटबाजी और शक्ति प्रदर्शन की होड़ मची रही। लोकार्पण से एक दिन पहले रात से ही गुटबाजी का दौर शुरू हो गया था, जहाँ रात को पोस्टर लगाने को लेकर कई जगह दोनों गुट के कार्यकर्ता भीड़ते भीड़ते बचे थे। वहीं उद्घाटन के दौरान दोनों गुट के कार्यकर्ताओं में खुलकर नारेबाजी देखने को मिली। दरअसल तीसरी मंजिल में हो रहे कार्यक्रम में जब ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपने समर्थकों सहित पहुंचे, तो वहां पर उनके समर्थन में जोरदार नारेबाजी करने लगे। वहीं अमरजीत भगत के समर्थक भी कहां चुप रहने वाले थे, वो भी मंत्री जी के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। दोनों गुटों का आमने सामने नारेबाजी का सिलसिला देर तक चला। इस दौरान दोनों मंत्री भी वहाँ मौजूद थे। बाद में वरिष्ठ कांग्रेसियों द्वारा हस्तक्षेप कर दोनों गुटों को शांत कराया गया। बाद में स्वास्थ्य मंत्री अपने समर्थकों से नीचे भूतल में आए और रिबन काटकर भवन का उद्घाटन किया और कला केंद्र की ओर रवाना हो गए। यह बात खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और उनके समर्थकों को जब पता चली, तो उनके द्वारा फिर से रिबन मंगवाया गया, उसे बांधा गया और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत द्वारा रिबन काटकर फिर से दोबारा भवन का उद्घाटन किया गया। यही नहीं, कार्यक्रम स्थल में जगह को और बैठक व्यवस्था को लेकर भी दोनों गुटों में कई बार विवाद की स्थिति निर्मित होती देखी गई। स्थिति यहाँ तक थी कि कांग्रेस के एक बड़े नेता को जमीन पर बैठकर कार्यक्रम में शामिल होना पड़ा। वहीं राजू भवन के मुख्य द्वार पर महापौर अजय तिर्की के होर्डिंग्स को उखाड़ दिया जाना भी काफ़ी चर्चा के विषय बना रहा, और दोनों गुटों में पोस्टर वार भी जमकर देखने को मिली। खैर, जो भी हो, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी और शक्ति प्रदर्शन का दौर यूं ही चलता रहा तो सरगुजा में इसका बड़ा खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ सकता है, और इस तरह की गुटबाजी से दोबारा सत्ता में आना पार्टी के लिए इतना आसान भी नहीं होगा।